जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथला में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। आइए हम लोग पढ़ते एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियसर क्वेश्चन। इसके पिछला क्लास में हम लोग देख लिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सेट नंबर है 3/12/2021 का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। देखते प्रश्न 21 क्या कर रहा है। एक पर्स में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8, 5 और 3 के है। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 है तो पर्स में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए मेरे पास 3 तरह के पैसा है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। ये मेरा रुपये के रुपये है। संख्या कितना, संख्या का रेशियो दिया है 8, 5, 3, 8, 5 और 3, ठीक है। अब जब रेशियो में है तो आप एक साथ इसके साथ कुछ भी ला सकते हैं। जब रेशियो में लगता है तो सामान्य संख्या लगेगा, या तो एक से लगेगा तो सामान्य सभी में लगेगा, क्योंकि जब काटेंगे हम तो मेरा सामान्य चलेगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए 8x, 5x और 3x, 8x, 5x और 3x। अब सभी को हम जोड़ते हैं और मान लीजिए जब 8 संख्या है तो 1 रुपये कितना हो जाएगा, 8 रुपये, तो 8x। इसको गुना करेंगे कितना का, 10x, ये 15x। 1 रुपये का सिक्का तो 8 संख्या है, 1 रुपये का 8 संख्या तो 8 सिक्का है तो 8 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये का 5 सिक्का तो 10 रुपये हो जाएगा, और 5 रुपये का 3 सिक्का है तो 15 रुपये हो जाएगा। यार टोटल को मिलाएं जोड़ें तो कितना आएगा, 5, 8, 5, 13, 3, 20, 33 हो गया, 33x। किसके बराबर है, 132 रुपये का। 33x, इसमें हम एक से मान लिया, या मान भी सकते हैं न भी मान सकते हैं, तो 33x का मान कितना आया, 132 रुपये। किसके बराबर है, 132 रुपये। हम संख्या में जब गुणा को गया तो मेरा संख्या कितना आया, 33x रुपये आया, ठीक है। अब इधर संख्या में कितना दिया है, 132 रुपये दिया है, तो इसको काटते हैं कितना आएगा, 1100, 1133, 1, 2, 12, 400, 3 से कटेगा 4 बार में, तो एक्स का मान आया 4। एक्स का मान आया 4, पूछे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, तो एक्स जब एक्स का मान आएगा 4 है तो 5 रुपये संख्या कितना है, 3x, 3 गुने एक्स का मान कितना 4, यानी 36, 12। 12 को सिक्का 5 रुपये का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए प्रश्न 22 क्या कर रहा है। 10,000 रुपये की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मेरे पास 10,000 रुपया, 10,000 की राशि है, ठीक है। उसे हम तीन को अलग अलग ब्याज अलग दर पर हम दिए हैं। मेरा मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। दर कितना है, 3 दर दिया है, 8%, 10% और 12%। पहला 8% है पहला साल, दूसरा साल है 10% और तीसरा साल 12%। 3 में दर दिया है तो इसका हम त्रिमीटर से भी निकाल सकते हैं। देखिए त्रिमीटर क्या होता है, जब हम पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल का निकलता है। हम मेरे पास 10,000 रुपया राशि है, 10,000 का राशि है, हम इसका हम निकाल दें 8% निकाल लें तो कितना होगा, 8%। परसेंट के चिन्ह हटा के बेटा में समझ गए तो 2 जोड़ से 2 जोड़ कैसे कितना है, 800। यानी पहला राशि कितना मिला ब्याज, 10,000 का राशि है तो 8% में ब्याज ले रहे हैं तो कितना है, 800 रुपये में ब्याज हो गए। फिर 10,000 का राशि तो मेरा समान रहेगा, पहला जो पहला लाइन में आएगा तो मेरा राशि समान ही रहेगा, ठीक है। तो 10,000 राशि है, अब ब्याज कितना आया, 10%, तो 10% इसका निकलते हैं तो कितना आएगा, 2 जोड़ 2 जीरो कैंसिल, यानी 1,000 रुपये, ठीक है। तीसरा साल कितना है, 12% ब्याज है, 12% ब्याज है, तो 10,000 का 12% निकलते हैं तो कितना आएगा, 1200। और 12% निकालते हैं तो 2 जोड़ 2 जोड़ कैंसिल कितना आएगा, 1200। तो तीसरा 1200। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है कि जो एक पहला साल ब्याज लगा तो ब्याज के दूसरा साल ब्याज के फिर ब्याज लगेगा,
तो पहले से ब्याज कितना लगा है 800, तो दूसरा साल का जो दर है तो अब इसका भी 10% आएगा, तो 800 का 10% का लगा कितना आएगा 80 आएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, बचा कितना 80, तो 80 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है, पहला जो दूसरा साल के ब्याज दर जो मेरा दर लग रहा है 10%, तो जो पहला साल ब्याज मिला और उस पर भी हमको 10% ब्याज लेंगे। ठीक है, तो अब कितना आएगा 80 रुपये। ठीक है, और तीसरा साल क्या है, तीसरा साल जो लग रहा है कितना 12% लग रहा है, ब्याज कितना लग रहा है 12%, तब फिर 800 का तीसरा साल भी इस पर ब्याज लगेगा, तो 12% निकालते हैं कितना का 0 0 कैंसिल, 12 96 96 रुपये, कितना का 96 रुपये। ठीक है, अरे तो दूसरा साल मेरा ब्याज फाइनल हो गया। अब देखिए जो दूसरा साल मेरा ब्याज मिला है अब इस पर भी 12% लगेगा ब्याज, इस तो बाद में लगेगा, ये तो मेरा दो साल तो क्लियर हो गया। जो तीसरा साल ब्याज लग रहा है तो जो दूसरा साल का ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा कितना 12%, तो 1000 का हम 12% निकाले तो कितना आएगा 120 आएगा, 0 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 120 रुपये ब्याज, 120 रुपये ब्याज, इसको ऊपर लिखिए 120 96, इस पर ब्याज लगा, इस पर भी ब्याज लगा, तो पहला साल जो दूसरा साल का ब्याज मिला है तीसरा साल उस पर भी ब्याज लगेगा, और जो पहला साल का ब्याज दूसरा साल लगा है उस पर भी ब्याज मिलेगा। अब तो अब 80 का 12% कितना आएगा 2 0 1 0 0 कैंसिल, 12 96, तो 9.6 रुपये। ये तो समझते हैं, सॉरी। देखिए कोई राशि हमको चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते हैं तो जो पहले लाइन में आएगा तो जो मेरा दर में समय रहता है तो सीधा हम एक पहला को 300 गुना करते हैं, दूसरा जो दर आता है उसका 300 गुना करते हैं, और तीसरा आता है तो उसे 100 गुना करते हैं, तीसरा जो ब्याज आता है उसे 100 गुना करते हैं। यह तो ब्याज दर अलग अलग दिए हैं, तो पहला साल में 10,000 का कितना राशि मिला, 8% के दर से 800 रुपये हमको ब्याज मिला। ठीक है, पहला साल में, दूसरा साल हमको लग रहा है ब्याज कितना है 10%, तो 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 1000 रुपये। तीसरे साल के मेरा कितना लग रहा है 12%, तो 10,000 का हम 12% निकाले तो कितना आएगा 1200 रुपये। ये पहला लाइन क्लियर हो गया। अब दूसरा साल है तो हमको दूसरा साल कितना लग रहा है 10%, जो पहला साल हमको ब्याज मिला है उस पर भी हम 10% लेंगे। और साधारण ब्याज में क्या होता है, जब जो ब्याज लगे एक बार तो लग गया, दूसरा साल में क्या होता है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज मिला है वो दूसरा साल उस पर भी ब्याज लगेगा। तो पहला साल में हमको ब्याज कितना मिला है 800, अब इस पर भी ब्याज लगेगा, तो मैं कितना आया 800 का हम 10% निकाले तो कितना आएगा 80 रुपये। ठीक है, यह दूसरा साल का ब्याज हो गया। जो तीसरा साल का मेरा दर रहा तो जो दूसरा साल का मेरा राशि कितना मिला है 1000 रुपये, दूसरा साल हमको राशि ब्याज मिल रहा है, हमको पहले 10,000 जो मेरा राशि था उस पर तो हम राशि निकाल लिए 1200, पहले ब्याज निकालिए, अब ब्याज पर दोनों को निकालेगा, पहला साल जो ब्याज मिला है दूसरा साल जो ब्याज मिला है, तो पहले साल ब्याज कितना मिला है 800, तो इस पर भी निकाला है थी 12%, तो कितना है 96 रुपये। दूसरा साल मेरा ब्याज कितना मिला है 1000 रुपये, तो इसका निकाला कितना आएगा 1200 रुपये, सॉरी 120 रुपये। ठीक है, दोनों का मिला, और जो दूसरा साल ये 80 रुपये अतिरिक्त मिल रहा था इस पर भी लगेगा 12.5%। जो तीसरा साल है दूसरा साल पहले साल के ब्याज के पर ब्याज लगा है, दूसरा साल जो ब्याज मेरा मिला है तब पहले साल का ब्याज जो मिला है जो राशि शुद्ध मिला है उस पर भी लगा था, अब तीसरा साल है तो इस पर भी ब्याज लगेगा, तब अब इसको टोटल जोड़ लेते हैं 800 1200 2000 2000 3000 3000, तो पूरा हो गया ये। अब इसको जोड़ते हैं 80 120 200 200 104, इसमें लेते हैं तो कितना है 300 300, बचा कितना 4 लिए तो 5 305 रुपये, 305 506 रुपये, जोड़ते हैं 3305.6 रुपये। 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3305.6 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब तो कन्फ्यूजन होगा तब कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्रश्न 23 क्या कर रहा है, 20% 10% और 15% के
क्रमिक छूटों को श्रृंखला में समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। देख तीन को छूट दिया है, कितना 20%, 10% और 15%। इसका पूरा क्रमिक छूट दिया है तीन को, इसका एक छूट किसके बराबर होगा? तो ऐसा नहीं कि अभी सभी को जोड़ कर कह दिया 45% हो रहा है छूट, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रमिक छूट यानी क्या होता है? अरे एक बार छूट दे तो उसके मेरे पास 100 रुपये का राशि है, हम इसमें 20% छूट दिए तो मेरा कितना हो गया 80 रुपये, और जो मेरा राशि बचा है अब इस पर छूट देंगे। ऐसा नहीं कि जब इस पर जो पहला राशि उसी पर छूट देंगे, जो मेरा एक बार छूट दे दिए 20% छूट दे दिए तो मेरा कितना राशि होगा 80 रुपये, अब जो भी छूट देंगे इस पर देंगे न कि इस पर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका एक तो समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है क्या, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। सॉरी 300 का भी होता तो 300 का थोड़ा लंबा जाता है, ऐसे सिंपल भी परसेंट दिया था, 2 साल में बैठाइए जल्दी निकलेगा, 300 थोड़ा लंबा चला गया तो कन्फ्यूजन भी होगा, वो याद हाली होगा नहीं। 2 साल क्या आता है, एक समय क्या आता है, अगर 2 छूट तो मेरा दिया छूट या ये प्रॉफिट, ये मेरा जो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट भी काम करेगा, अधिकतर जगह काम करता है। ठीक है, देखिए पहला साल छूट, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, अगर हम छूट मिल रहा है तो माइनस करेंगे, या हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, तो दोनों जगह ही आती सब सभी में छूट मिल रहा है यानी हानि हो रहा है, माइनस का 20 पर दो दो को लेकर चलेंगे, पर दो का अलग एक साथ निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो दो मेरा 28% आएगा, बड़ा देखते हैं पहला कितना है 20%, दूसरा कितना है 10%, तो एक समय निकाल लिए। देखिए जब दोनों माइनस है तो गुना करने कितना आएगा प्लस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 20 × 10 बट्टा में 100, 20 और 10 कितना होगा माइनस का 30, और प्लस 0 0 कैंसिल होगा प्लस का 2, और माइनस 30 में से प्लस 2 जोड़ते हैं कितना आएगा माइनस का 28, और 2 छूट किसके बराबर होगा, 2 छूट को निकाले हैं तो 28% का छूट के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो मेरा 2 का निकला, पूछ रहा किसका 3 का, तो माइनस का 28, अब इसको x मान लीजिए, इसको x इसको y मान लीजिए। ठीक है, तो माइनस का 28% माइनस 15% प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा 28 × 15 बट्टा में 100, 400 करते हैं 100 × 28 25 × 100, 500 करते हैं 25 × 15 15 × 25 ये कितना है 8 × 5 = 13, 3 हाथ में 1 3 × 4 43, माइनस का 43 प्लस, देखिए बटा में 5 है तो हम अगर ऊपर नीचे गुना कर दें 2 से तो मेरा काटने में आसानी हो जाएगा, कितना होगा 3 × 2 = 6 7 × 42 42 बट्टा में 10 है, बट्टा में 10 है तो 10 0 को हटाएंगे तो 0.4 रहेगा, यानी कितना हो जाएगा मेरा 43 माइनस 43 प्लस 4.2। ठीक है, इसे हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 43 में हम मान लीजिए हम 5 घटाते हैं तो कितना आएगा 38.8 माइनस का 38.8% के छूट के बराबर है, 20% 10% और 15% के एकल छूट और निकाले तो किसके बराबर है माइनस का 38.8% के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए प्रश्न क्या कर रहा, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है, वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है? देखिए बाहर बाहर का एरिया दिया है यानी उसका क्या होगा, उसका परिमाप होगा, एक वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना 21 मीटर दिया है, क्योंकि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, और वृत्त का परिमाप त्रिज्या 7 सेमी होता 7 मीटर होता तो मेरा इसका परिमाप क्या होता 44 मीटर, और इसका फॉर्मूला को बैठा लेते हैं,
इसका वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2πr बराबर कितना है 21। दो 22 के मान, सॉरी पाई के मान कितना था 22/7, आर आर कितना है 21। आर कितना है गाइस, तो 21 तीन बार में, तीन दुनी छः, छः दुनी 12, 12 13, 132। इसका परिमाप क्या है 132 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप इसका क्या होता है 4 गुने भुजा। तो किसके बराबर है 132 के बराबर, 4 से काट रहे 34 12 34 12, ये बराबर क्या है 33 मीटर। वर्ग की जो भुजा है कितना आ गया 33 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न 25 क्या करा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त हो। देखिए एक तीन को संख्या दिया है, कितना 8, 9 और 10 करके वह छोटी छोटी संख्या निकाले जिससे भाग करने पर एक शेषफल बचता है। तो छोटी संख्या निकाले क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे। न्यूनतम संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब जो अधिकतम संख्या पूछेगा उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम निकलेंगे तो 360 0 0 9 36। ठीक है, 360 एलसीएम आएगा। तो 360 मेरा संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा 360, और 360 मेरा संख्या होता तो पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, कह रहे कि और काटना पर शेष पर बचते हैं, तो यानी 360 में हम एक जोड़ दें तो मेरा संख्या कितना हो जाएगा 361। 361 सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 8, 9 और 10 से भाग करने पर शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।